तुझसे चलो जाओ, देखना गेट बंद है। बस बस अंदर क्या है अंदर में। एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं बाहर निकल के इस वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ रेल म्यूजियम। आप बोलोगे कि रेल म्यूजियम का तो मैंने वीडियो बना ही दिया, फिर मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, आप लोग बस बने रहो। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, बट फिर भी चलिए। मैं और आर्यन के पापा जा रहे हैं। आर्यन गया है स्कूल और एंजल का चल रहा था छुट्टी, तो मैंने कॉल किया तो मैं बोली कि चलो, तो बोली हम उसे चलेंगे तो उसको हम लोग लेंगे। अभी आर्यन के पापा आगे चल रहे हैं, तो बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, जो जो होता है मैं शेयर करती हूँ और जो भी अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टेशन पे आ चुके हैं यहाँ पे आर्यन के पापा, सॉरी, और यहाँ पे एंजल। तो चलिए अभी ट्रेन आता है फिर जाएंगे हावड़ा। हम लोग का ट्रेन आ चुका है और देखते हैं, पता नहीं भीड़ है कि नहीं। भीड़ तो नहीं होना चाहिए, तो जैसा होगा तो आर्यन के पापा जेंट्स में चढ़े जाएंगे, हम लोग लेडीज में चले जाएंगे। भीड़ तो नहीं है, चलते हैं। चलो एंजल, हावड़ा स्टेशन में उतर चुके हैं और भीड़ देख सकते हैं यार, ये कभी खाली रहता ही नहीं है, हमेशा भीड़, हमेशा, बाप रे बाप। तो चलिए निकलते हैं बाहर, फिर करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। चलिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं स्टेशन से, तो फिलहाल चलिए। उस दिन तो आए थे वंदे भारत रेस्टोरेंट में, तो भी आप लोगों को दिखता है तो दिखाएंगे। तो चलिए फाइनली है, हम लोग आ चुके हैं और ये जो देख सकते हैं ना पार्सल गोडाउन है, जस्ट इसके सामने ही वंदे भारत रेस्टोरेंट है। उस दिन आए थे, यहाँ से उतना क्लीन नहीं दिख रहा, बट जो लिखा हुआ है वो शायद दिखे आप लोगों को, आई लव कोच रेल कोच। तो चलिए हम लोग को ताज वहाँ नहीं जाना है, रेल म्यूजियम के साइड जाना है, तो चलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, एंट्री का 20 रुपीस लगता है, तो यहाँ पे आर्यन के पापा टिकट ले रहे हैं। तो फाइनल पहुँच चुके हैं, देखिए रेल म्यूजियम और वो रेस्टोरेंट खुला है। चलिए अंदर में चलते हैं। देखिए ये सब जो जो लिखा हुआ है मेरा, ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत पहले का ही होगा, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट में जाएंगे। वो रेड वाला रेस्टोरेंट है, रेल कोच का ये भी बना हुआ है। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। उस टाइम आई थी ना तो ये सब लाइट वगैरह ऑफ था, अभी यहाँ लाइट ऑन है तो पूरा अच्छा से दिख रहा है यार। और ये वॉशरूम है, देख सकते हैं यार पहले का क्या है, कितना यूनिक यूनिक कपलेट है यार, केतली है, ये सब है मुंबई के पास। सच में यार सब चीज़ बोले, चेयर को देखिए अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे ट्रेन का इंजन सर, ट्रेन ही नहीं लग रहा है इतना, मतलब जैसे लग रहा है घर पे भी इतना अच्छा से सर्व करके चाय वगैरह नहीं मिलता होगा। मैंने तो नहीं देखा भाई, पहले ही होता होगा, अभी कहाँ ऐसा हो रहा है सच में। और ये गेट अंदर जाने का खुल जा भाई, खुल जा, अंदर चले जाए थोड़ा, खुल जा खुल जा खुल जा। तो देख सकते हो भाई साहब, फ्रिज भी है, क्या है, अभी लाइट ऑन है ना, पूरा अच्छा से क्लियर दिख रहा है यार। मैं देखी हूँ फिर भी वो ऐसा नहीं, कलर वगैरह किया गया लग रहा है ना, न्यू पिक क्लिक करवाना। मैं सोची सच में कोई है यार, ये तो रियल मतलब बनाए हुए हैं, क्या है, पूरा रियल लग रहा है। खींच क्लिक हो गया क्या भाई यार, उस टाइम का, हाँ फर्स्ट क्लास चेयर कार है। अभी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे नैरो गेज ट्रैक के शोभा बढ़ाती थी, पूरी लकड़ी की बॉडी वाला यह, जो भी पढ़िए तो आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा।
इंजन देखिए भाई साहब, ड्राइवर यहाँ पे, वही वही टॉय ट्रेन है ना, क्या सब यूनिक है, बोलिए पहले का हर चीज़ ही यूनिक है। अच्छा लग रहा है भाई, जो भी हो पहले के बारे में जान के अच्छा भी लगता है। देखिए रेस्टोरेंट सामने से मैं दिखा रही हूँ, वहाँ भी जाऊँगी मैं, बट अभी मैं यहाँ पे अपना रेल का वीडियो बना रही हूँ, तो उसके बाद जब वहाँ जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे पूरा अंदर से कैसा क्या है, अंदर में भी जाने देते हैं कि नहीं, जब जाएंगे तो दिखाएंगे। फिलहाल अभी बाहर निकलते हैं, मतलब यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंजल भी अपना सूट कर रही है अच्छे से, बाहर निकल चुके हैं यहाँ से। चलिए, फालतू में मैं शॉल लेके आई, यार गर्मी लग रहा है। तो ये आर्यन के पापा मेरे को ना शॉल लो ठंडा लगेगा, इतना तो ठंडा लग रहा है, लग रहा है कि ओहो धूप इतना ज़्यादा है। यहाँ से टहलते टहलते आ गए हैं स्टेशन के पास, हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन। ट्रेन हम लोग तो गए हैं, फिर भी एंजल को घुमा देते हैं और हम लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि उसे अकेले तो भेजेंगे नहीं। अंदर में जाओ, जाके वीडियो बना के आ जाओ। हमारा हावड़ा स्टेशन, नाम दिख रहा होगा आप लोगों, देखिए हावड़ा स्टेशन। वो नहीं जाएंगे, हमारा एंजल यहाँ बैठ गए हैं। राउंड पूरा होने वाला है, अब हम लोग उतरेंगे अपने स्टेशन पे। वाह, और ये हम लोग का नज़ारा है ट्रेन से, मतलब ट्रेन का नज़ारा विंडो से हम लोग इंजॉय करते हैं, और अभी एकदम पूरा खुले खुलेआम इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए पहुंचते हैं अपने स्टेशन पे। टॉय ट्रेन से उतर के अंदर में आ गए हैं, ये हमारा हावड़ा स्टेशन। चलिए, बहुत लोग हैं अंदर में। वाह, ट्रेन का पटरी, यहाँ बुगी वो बहुत मज़ा आता सच में। पहले लाइट भी नहीं जल रहा था, जब हम लोग आए थे ना तो लाइट भी नहीं जल रहा था, अभी लाइट वगैरह भी लगा दिए। हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज, पहले लाइट वाइट नहीं ना था। हाँ, कुछ यार ऐसा ही है। वहाँ पे वॉशरूम हम लोग गए थे, याद है वहाँ पे जो वॉशरूम गए थे, उस टाइम तो इतना गंदा था, पता नहीं क्लीन होगा। और यहाँ पे सब पिक वगैरह क्लिक कराते हुए, तो ये भी अच्छा लगता है यार, कुछ भी घर से बना के लाओ, बैठ के आराम से खा लो। ये सब देख सकते हैं यार, पहले का ये बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा, ये नॉलेज के लिए जो होना चाहिए, आजकल के बच्चों को ला के ये सब दिखाना चाहिए। एंजल अपना अच्छे से वीडियो बना रही है और पूछ भी रही है ये क्या है वो क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान का ट्रेन एंजल को दिखाने के लिए, एंजल एक्साइटेड, चलो जाके देखते हैं। वाह, कहाँ ट्रेन है जी, देख लीजिए। और मैंने अपना साल आर्यन के पापा को दे दिया, क्योंकि हम बोले थे आप ही जिद किए हैं लेके आने के लिए, तो आप ही लेके चलिए, गर्मी लग रहा है यार, इतना धूप है। चलिए चलते हैं पाकिस्तान ट्रेन। वाह, वहाँ से निकले और यहाँ पहुँच भी गए ट्रेन। ये ट्रेन का आवाज कहाँ से आ रहा भाई, अरे ये तो एकदम खाटी बिहारी। हाँ, बिहार तो शान है, शान का ट्रेन देख रहे हो, और यहाँ पे टॉय ट्रेन, अभी भी बहुत लोग घूम ही रहे हैं यार। अच्छा, एक राउंड दिखा, मतलब घुमा देते हैं ना, तो पूरा चीज एक बार में देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ एंजल का वीडियो बनाते हुए देख सकते हैं। बहुत लोग हैं यार, हम लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना, क्योंकि लोग कंटिन्यू देखने लगते हैं, और देख के हंसी भी आ रहा है, खुशी मिल रहा होगा। ये ट्रेन देख देख के अब थक चुके हैं, ट्रेन देख देख के। चलिए, और ये तो लोकल ट्रेन ही है ना, लोकल भी है। हाँ भाई, तो लोकल ही जैसा लग ही रहा। तो चलिए, थक गए भैया, ट्रेन देखते देखते आ गए हैं कोना में। चलिए कुछ खिला पिला दीजिए, खाना नहीं होगा, भूख लगा। चलिए, तो ऐसा इंजन में हम बहुत चढ़े हुए हैं, ये स्टार्टिंग यार में चलते हैं। अच्छा है कि एंजल का लेंथ है, देखिए लंबी है, तो जंगला में से हाथ देके भी बना ले रही है। हम है हाइट छोटा भैया, का करे, ऊपर है अभी, ऐसा ही चलता है। चढ़ के देखो, चढ़ो चढ़ो,
देखना गेट बंद है, देख सकते हैं। वाह बस बस अंजल, क्या है अंदर में? वीडियो बनाई थी उस साइड से, वही होगा। नहीं खुलेगा, लॉक है। लॉक है, चलो अभी आएगा, देखेगा, भगाएगा दौड़ा दौड़ा के। आसनसोल देख सकते हैं ट्रेन। ये खोल देना चाहिए हमको। हाँ भाई, खोल देगा तो जानते हैं यहाँ का जो लोग है ना पूरा खराब कर देगा। अगर एक खोल देगा तो अंदर भी जाके देख सकता है। बस देख लीजिए भाई साहब पहले का तो। चलिए यही रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो जाते हैं अंदर में। रेस्टोरेंट के पास आके वेट कर रही हूँ और वो लोग कहाँ हैं, बहुत दूर है। देखिए क्या ही बोलूँ, एंजल को पिक के लिए करवाना है तो वही लेके गए हैं इनके पापा। तो चलिए आते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है रेस्टोरेंट में मतलब कोई है भी, क्या पता यार, कुछ खाने नहीं मिलेगा क्या? मेरे को भूख लगा है। रेस्टोरेंट अभी काम चल रहा है, क्या बोलेंगे। वाह है भी बना तो क्या करें, अभी बंद है ना, अभी भूख लगा तो अभी क्या करें। चेयर है वही तो, अभी तो रेडी हो रहा है। वाह पोपट, तो अभी काम चल रहा है अंदर में, देख सकते हैं काम कर रहे लोग यहाँ पे। वाह भाई वाह, खैर कोई नहीं, काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आएंगे। चलिए निकलते हैं यहाँ से, भूख तो लगा है, बाहर कुछ खाएंगे। अच्छा लगा जानने मिला, यहाँ से निकलते हैं कुछ खाएंगे। अब कहाँ चलेंगे क्या पता, आपको पता है ना। चलिए देखते हैं, भीड़ नहीं होगा तो वहीं कुछ खा लिया जाएगा, फिर से जाएंगे वहीं पर खा लेंगे, अंदर खा लेंगे। चलिए निकलते हैं बाहर। जिम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब ये रेस्टोरेंट ओपन होगा तो ही आएंगे, अब अभी आने वाले हैं नहीं। जिम से निकल के जस्ट हैं वंदे भारत में ही जा रहे हैं, कुछ खाएंगे यार भूख लगा है तो। चलिए देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं। एंजल को बोले कि तुम बना लो वीडियो, मैं तो उस दिन बनाई हूँ अच्छे से। तो फिलहाल चले जाते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ भी क्या हाल है यार, भीड़ ना हो। आ गए हैं, देखते हैं भीड़ नहीं है या भीड़ ज़्यादा है। पहले अब चेयर वेयर नहीं था, अभी चेयर भी बन गया बाहर में, उस दिन ये सब बन रहा था, आज लगा भी दिया है थी ना, तो ये भी नहीं अभी लगा हुआ था, काम चल ही रहा था जो मैं मतलब आप लोगों को दिखाई थी। और दूसरा चीज़ नहीं, ये चेयर भी नहीं लगा हुआ था, मैं दिखाती हूँ वहाँ जाके। तो देखिए ये चेयर भी नहीं था उस दिन, आज लग गया है। तो आप बाहर भी ऑर्डर करके मंगा के खा सकते हो। तो अंदर गए आर्यन के पापा, देखते कितना टाइम लगता है कितना नहीं। हम लोग आए थे तो उस दिन बहुत भीड़ था सच में, एक डेढ़ घंटा से भी ज़्यादा हम लोग खड़े थे। फिर हम लोग का नंबर आया था और आज तो एंजल और आर्यन का, सॉरी एंजल का और आर्यन के पापा का न्यू है। तो कैसा लग रहा है कि हम लोग उस दिन आए थे, नहीं तो ये सब कुछ नहीं था पता है। अभी न्यू जैसे जैसे हो रहा है, कितना देर का टाइम दिया है, आधा घंटा तो भी कम है। हम लोग उस दिन आए थे रोशन जी के संग, डेढ़ घंटा। तो चलिए वेट करते हैं अंदर में। अभी देखिए बहुत भीड़ है यार, उस दिन तो संडे संडे बोल के मैं बोल रही थी भीड़ होगा, आज भी भीड़ ही है। तो चलिए आता है, ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने, तो आता है तो दिखाती हूँ कि क्या ऑर्डर किया हम लोगों ने। आ गया है तंदूरी चिकन, मुझे तो खाना नहीं है, यही लोग खाएंगे दोनों जन। मैं अपने लिए नूडल्स मंगाई हूँ, हाका नूडल्स, आता है तो दिखाऊंगी, यम्मी है अभी, उस दिन खाई थी मैं, काफ़ी स्वादिष्ट है ये। तो चलिए आर्यन के पापा का ये फेवरेट है, ये लोग खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा रहा है, जूसी जूसी नहीं है, बट स्वाद अच्छा है।
नहीं, मेरा नूडल्स आ गया, बाप रे बाप, थोड़े टाइम के बाद। हर चीज़ में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। चलिए फाइनली मेरा आ गया भैया, हम खाएं। निकल चुके हैं, चलते हैं घर। आर्यन को हम लोगों ने उसके घर छोड़ा, मतलब वो चली गई थोड़ा देर पहले ही, हम लोगों ने छोड़ दिया। सोची थी दी के घर जाऊंगी, बट शाम हो रहा था, आर्यन भी स्कूल से आ गया था, फ़ोन कर रहा था, तो दी के घर फ्री टाइम में जाऊंगी एक दिन। बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, तो एक दिन जाऊंगी। और हाँ, अभी आप जो रेल म्यूज़ियम में जो रेस्टोरेंट खुला है, तो आप अभी बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी काम चल रहा है। वो खुद ही बोल रहे थे कि अभी टाइम है, तो मैं बोला कितना, 10-15 दिन? बोला नहीं, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग अभी मत ही जाइएगा। न्यू खुल रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, छोटा सा ही कोच है, जैसे वंदे भारत का एक कोच है ना, वैसे ही छोटा सा एक ट्रेन कोच है। नाम तो नहीं लिखा हुआ था कि कोच का नाम क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, ऐसा कुछ तो नहीं था, बट फिर भी जान नहीं मिला। जब भी ओपन होगा मैं एक बार ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं गई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जाऊँगी फिर से, अच्छा लगता है। मुझे सच बोलूँ ना, घूमने फिरने से अच्छा लगता है खाने का, मतलब क्या मिलेगा, क्या वहाँ पर होगा, मैं खाऊँगी। मुझे खाना बहुत पसंद है, आप शरीर देख के ही पता लगा सकते हो कि मुझे खाना कितना ही पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना बनाना पसंद करती हूँ, खाना भी पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सोची थी जारिन के पापा के संग वीडियो एंड करूँगी, बट वो सलकिया चले गए मुझे छोड़े, और जैसे मैं टोटो से उतरी मैं चली गई और वो सलकिया चले गए, क्योंकि बिना वहाँ गए उनका मतलब जो दिन जो होता है ना, वो नहीं गुजरता है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।